यस डियर आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। और कॉमर्स में आपको लाना है 100 out of 100। कैसे आएगा ये मेरे ऊपर भरोसा रखिए, 100% आएगा। और ये आज के लेक्चर के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि बहुत ईजी है। सीबी गुप्ता सर का किताब है ये, मैक्सिमम स्कूल सीबी गुप्ता सर की किताब को रेकमेंड करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास भी ये किताब होना चाहिए। अगर बाई चांस आपके पास कोई और ऑथर का किताब है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आईसीएसई क्वेश्चन पेपर एज पर द सिलेबस आता है। जो बुक्स लिखे जाते हैं वो एज पर द सिलेबस लिखे जाते हैं। तो किताब का ऑथर कोई भी हो, कॉन्टेंट मोर और लेस वही है 99.999%। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। कैसे पढ़ाई करना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। मैं एकदम वीक से वीक बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ। तो बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको लगेगा कि अरे सर तो बहुत बच्चा बच्चा समझ के पढ़ाते हैं। देखो दोस्त, बच्चा बच्चा समझ के पढ़ाते हैं तो एक फ़ायदा आपको होगा, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आपके दिमाग में ना पूरा का पूरा कॉमर्स आपको रिविजन करना नहीं पड़ेगा। जो अभी तक का आपका कॉन्सेप्ट था ना, रिविजन करते हैं नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इतना धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपके दिमाग में अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा, ये प्रॉमिस है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टेक होल्डर का मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स क्या है भाई? अगर मैं एकदम सिंपल बात करूं तो आप लोगों के पास मम्मी है, आप लोगों के पास पापा है, ठीक है। अब मम्मी पापा के ऊपर आपका हक है। आप लोग जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो भी, सर छोटे छोटे नहीं, हम लोग क्लास 10 में, अरे ओके गाइस एंड गर्ल्स। सो आप लोग अपना हक जताते हो कि मैं मम्मी को बोलूंगी कि मेरा 16th बर्थडे आ रहा है, मैं पापा को बोलेंगे कि मेरा 16th बर्थडे आ रहा है, अच्छे 5-star होटल में मनाना होगा, या मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, या मेरे को ऐसा चाहिए। तो ये हक आप लोग जताते हो अपने मम्मी और पापा के ऊपर। स्टेक होल्डर का कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ मतलब है, जहां आप अपना हक जता सकते हो, जहां से आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं सर, हम लोग घर में मम्मी पापा की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर स्टेक होल्डर हम समझ गए सर, बट अभी हमें यह पढ़ाइए स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों? बिजनेस हाउस। कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन कमाने के लिए कुछ कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कुछ कर रहा है, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है? नो। आप लोगों ने मिलकर एक क्लब खोल लिया मोहल्ले में, क्या वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है? नो। ठीक है, सो स्टेक होल्डर्स इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपके टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा क्विक रीडिंग करेंगे। क्विक रीडिंग करने से क्या होगा, आपको मिलेगा लैंग्वेज। एग्जामिनेशन में आपको कैसे लिखना है वो लैंग्वेज आपको यहां से रीड करने से मिलेगा। बट सर इतना सारा रीड करेंगे दिमाग में तो रहेगा ही नहीं। यस, दिमाग में रहने के लिए देखो मैंने आपके लिए पहले से ही बना रखा है नोट्स, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ने के बाद रिवीजन के हिसाब से नोट्स को पढ़ेंगे। तो एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ये जो रिवीजन नोट्स जो बना हुआ है ये आप बस एक झलक देखेंगे, आपके दिमाग में सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो शुरू में एक बार रीडिंग लगाना बहुत 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 जरूरी है। इससे क्या है, आपको लैंग्वेज का कैसे लिखना है, देखो समझ रहे हैं हिंदी में, लिखना है इंग्लिश में और पढ़ेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में पढ़ेंगे समझेंगे हिंदी में, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, बट जो नोट्स बनाएंगे जिसमें कीवर्ड्स रहता है जिससे आपको नंबर मिलेंगे उसको लिखेंगे इंग्लिश में। टोटल क्लैरिटी के साथ आप एग्जामिनेशन पे जाओगे, ये यकीन है मेरा। आइए स्टार्ट करते हैं। इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, देखो एक एक वर्ड को समझाएंगे हम आपको, एक एक वर्ड। इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, ये इट्स क्या है कौन बताएगा बताओ?
ये इट्स मतलब है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, मतलब डे टू डे काम जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डे टू डे काम कर रहा है, फंक्शन मतलब काम करना। सर क्या काम करना? अरे भाई कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है? उसको अपना गुड्स या उसको अपना सर्विसेज बेचना है, यही तो काम करता है। अब बेचने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट करना है, वो भी एक काम है। बेचने के बाद उसको अकाउंट्स का पूरा सेल्स को मिलाना है, वो भी एक काम है। डे टू डे काम तो बहुत कुछ है। सो इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज और अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, देखो बिजनेस एंटरप्राइज बोलो या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बोलो, मतलब एक ही है। तो आप लिखते समय बिजनेस एंटरप्राइज भी लिख सकते हो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो। सो क्या बोला जा रहा है कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डे टू डे काम करता है तो वो क्या करता है? आप डे टू डे एक बात बताइए, आप डे टू डे जब उठते हो, स्कूल जाते हो, तो क्या आप अपने दोस्तों से बात करते हो? हाँ सर करते हैं। क्या आपको टीचर से मिलना पड़ता है? क्या ट्यूशन जाते हो? हाँ सर जाते हैं। जब आपको भूख लगता है और मम्मी बोली कि जाओ जाओ वहां से कुछ रेस्टोरेंट से कुछ एक होम डिलीवरी लिया, तो क्या आप जाते हो? हाँ सर जाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हो, क्या आप मेडिसिन लेने जाते हो? हाँ सर हम जाते हैं। तो जिंदगी में डे टू डे आपको बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति से इंटरेक्ट करना पड़ता है। हाँ सर करते हैं। तो उसी हिसाब से बिजनेस को भी बहुत सारे अलग अलग सोशल ग्रुप से इंटरेक्ट करना पड़ता है डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। तो यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है दोस्त। सो अ बिजनेस एंटरप्राइज और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स क्लोजली। जैसे भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो सब कुछ शेयर कर लेती हूँ उससे। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बड़े क्लोजली इंटरैक्ट करता है विथ सेवरल सोशल ग्रुप्स, सेवरल सोशल ग्रुप्स। अब ये हम लोगों को समझना है, ये सेवरल सोशल ग्रुप्स क्या है जिससे बिजनेस इंटरैक्ट करता है। सच इंटरैक्शन गिव्स राइज टू अ शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल ग्रुप्स। देखो दोस्त, जब हम किसी से बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, होता ना कि भी कल अचानक मैंने पार्टी में किसी से मिला, उसके बाद मैंने फोन नंबर एक्सचेंज किया, या मैंने फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, या मैंने इंस्टाग्राम में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। अब मेरे को धीरे धीरे इंटरेक्शन मेरा बढ़ते जा रहा है। इंटरेक्शन बढ़ने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, राइट? तो जब भी इंटरेक्शन बढ़ता है तो इंटरेस्ट तो बढ़ता ही है, तो वही लिखा हुआ है। इट गिव्स राइज टू अ शेयर्ड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोशल ग्रुप्स दैट सराउंड इट। तो ठीक है जी, इंटरेक्शन है तो इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट है तो हक है, धीरे धीरे हक होता है ना। नाउ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, नाउ यू आर माई गर्ल फ्रेंड। इंटरेस्ट बढ़ गया जी, इंटरेस्ट बढ़ गया तो हक भी बढ़ गया, मतलब तुम्हारे जिंदगी में अब मेरा स्टेक है। कौन थी वो लड़की, किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? नाउ आई एम एंग्री विथ यू। ये जो आप बोलते हो अपने बॉयफ्रेंड को, कहां से बोल रहे हो, ये भावना कहां से आया? क्योंकि अब आपको लग रहा है कि मेरा अधिकार है, या अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोल रहा है, सर वी आर वेरी शरीफ, सर हम लोग क्लास 10 के बच्चे, सर आप क्या गंदी गंदी बातें करते हो, सर हमारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं। वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए, दिस इज नॉट द राइट एज गाइज एंड द गर्ल्स। अभी आपको क्या करना है, क्लास 12 तक मन लगा के पढ़ना है। जब आप कॉलेज में जाओगे, क्लास 12 का मार्क्स अगर अच्छा होगा तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तब तक आप 18 ईयर्स के हो भी जाओगे, तब आप अपना भला और बुरा थोड़ा सा बेटर समझ पाओगे। बट आजकल के बच्चे तो समझते हैं कि नहीं सर हम अभी सही बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए ये आपकी पर्सनल बातें हैं। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, जहां आपका हक है, तुम्हारे जीवन में मेरा हक है, तुम किससे बात करोगे नहीं करोगे ये भी हम बताएंगे, ऐसा होता है ना। तो स्टेक होल्डर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में सर बताइए ना, ये तो हम लोग समझ गए। तो आइए मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर समझते हैं। मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, द टर्म स्टेक होल्डर्स हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक विच मीन्स एन इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट। भैया बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड में इंटरेस्ट है या एक्सपेक्टेड बेनिफिट, कि भाई ये बेनिफिट मेरे को ही मिलना चाहिए, हाँ
आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम किसी और के साथ जा रहे हो, नहीं 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 ये बेनिफिट तो, ये हक तो मेरा ही है, ठीक है, समझ गए आप लोग। स्टेक होल्डर्स देयरफॉर मीन ऑल दोज इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच हैव अ स्टेक इन द फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया तुम कैसे फंक्शन करोगे भाई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ये होता ना, तुम क्या करोगे, कब क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, बेसिकली हाउ यू फंक्शन द एंटायर डे आई विल डिसाइड। या चलो हस्बैंड एंड वाइफ का बात कर लेते हैं, वाइफ बोलते हैं नहीं नहीं मैं डिसाइड करूंगी। सो फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सो परफॉर्मेंस अगर खराब हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो स्टेक होल्डर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल से बात एकदम क्लियर हो गया है। और अ बिजनेस एंटरप्राइज सो परफॉर्मेंस ऑफ अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ बिजनेस एंटरप्राइज एक ही बात है। अ पर्सन इज सेट टू बी अ स्टेक होल्डर व्हेन दैट पर्सन हैज एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्त, अब ये बार बार वही बात रिपीट हो रहा है। मैंने कहा था ना आपको कि एक बार टेक्स्ट बुक को रीड कर लेंगे, बातों को इतना बार रिपीट किया जाएगा कि आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर सेट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको सेट हो गया कि अरे भैया सर समझ गए, सर आगे बढ़िए, सर स्टेक होल्डर समझ में आ गया, कहीं इंटरेस्ट है कहीं बेनिफिट है, समझ में आ गया। तो यही हम चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट लेंगे, आपके लिए लेंगे, हम बार बार रिपीट करेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, घुमा घुमा के बोलेंगे, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको डर लगना बंद हो जाए और एग्जामिनेशन में आप आराम से बिना याद किए, बिना रिवाइज किए, याद तो खैर करना ही नहीं पड़ेगा, आप आराम से मन से जो लिख कर आओगे वही राइट आंसर होगा। सो अ पर्सन इज सेट टू बी अ स्टेक होल्डर व्हेन द पर्सन हैज एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब दोस्त एक काम करते हैं, स्टेक होल्डर को बना देते हैं वाइफ और ऑर्गेनाइजेशन को बना देते हैं हस्बैंड। सो जब एक हस्बैंड एक डिसीजन लेगा तो वाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा, बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा, और जब वाइफ भी कुछ डिसीजन लेगी तो बच्चों के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर भी इन्फ्लुएंस आएगा। तो वही बात है द डिसीजंस एंड एक्शंस। मैं हस्बैंड हूं, मैंने कुछ एक्शन लिया, मैंने क्या एक्शन लिया आप छोड़ो ना भैया, मैंने कुछ एक्शन लिया बट उसका रिएक्शन तो होगा ना वहां पर। सो द डिसीजन एंड एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दी स्टेक होल्डर्स मे वेरी ग्रेटली फ्रॉम अ फ्यू इंडिविजुअल्स टू लार्ज इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट तो बहुत लार्ज है, ठीक है, इसका मतलब यह कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बोल सकता है या बोल सकती है, क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स को वाइफ बोल रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी सर, गवर्नमेंट बोलेगी ए टैक्स भरा क्या नहीं, जीएसटी दिया क्या नहीं, जीएसटी रिटर्न फाइल किया क्या नहीं, क्योंकि टैक्सेशन का मैटर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा वो गवर्नमेंट के हाथ में। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को काम स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, वो गवर्नमेंट के पास है। तो इंटरेक्शन हुआ ना। When a commercial organization interacts closely with various groups in a society, a community of interest develops between it and the social groups. ये repeat हुआ है दोस्त, जैसे interact होगा तो interest generate होगा, ये हम आपको समझा चुके हैं। A commercial organization must seriously consider the interest of its stakeholders. अब ये बता रहे कि देखो तुमको सारे stakeholders का ध्यान रखना होगा, उनको जो मिलना चाहिए उनको देना होगा, अगर उनको नहीं दोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, और अगर वो नाराज हो गए तो वो देखो भैया तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर देंगे। अगर मेरी वाइफ मेरे से नाराज हो जाए तो जाओ खाना नहीं देंगे, मैं बोलो अरे मेरे मोजे कहाँ हैं, मेरे को नहीं पता, जाओ खुद देख लो, अरे मेरे शर्ट में आयरन नहीं हुआ, जाओ खुद कर लो। तो कहीं ना कहीं क्या आपका हिम्मत है अपने स्टेक होल्डर को नाराज कर देने का? नहीं 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 कभी नहीं करने का। So if it disregards them, कौन किसको disregard कर रहा है? Commercial organization stakeholder को disregard कर रहा है, जाओ तुम्हारा नहीं सुनते हम, तो क्या होगा? द
द स्टेक होल्डर कैन कंबाइन टू ब्लॉक और डिले इट्स ऑपरेशंस। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक डिपेंडेंट है। अब ये बताओ स्टेक होल्डर्स कौन कौन है भाई? जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है स्टेक होल्डर है, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, बैंक है, तो दे आर द स्टेक होल्डर्स। क्या बिजनेस बिना बैंक के, बिना गवर्नमेंट के, बिना रॉ मटेरियल सप्लायर्स के क्या फंक्शन कर सकता? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब देखो भैया, स्टेक होल्डर्स जो है, अगर आपकी बीवी, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, आपको समझती है, तो आपका पूरा ख्याल रखती है, तो जिंदगी क्या मजे से गुजरती है। मगर बोलते हैं कि अगर आप एक अच्छे हस्बैंड नहीं है, तो अच्छे से अच्छी वाइफ भी अगर हो, कितना दिन हम बर्दाश्त करें बताइए? तो कभी ना कभी अच्छे से अच्छी वाइफ भी बिगड़ सकती है। बोलते टीवी और बीवी ना बिगड़े तो बेटर है। सो स्टेक होल्डर्स कैन बी बोथ, स्टेक होल्डर्स कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, स्टेक होल्डर समझ गए, तो स्टेक होल्डर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। मेरी वाइफ मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा, मेरे को हमेशा अच्छा खाना, टाइम पे खाना, दवाई, मेरा पूरा ख्याल रखना। तो जब वो इतना ख्याल रख रही है, तो मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ, या मैं उनका उसका ख्याल रख रहा हूँ, तो वो भी मेरा अच्छा ख्याल रख रही है। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मैं ख्याल रखना बंद कर दिया, मैं उसका बर्थडे भूल गया, एनिवर्सरी भूल गया, पार्टी नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो भी बिगड़ गई है। सो कहीं ना कहीं देखो, दोनों का तालमेल होना चाहिए, इंटरेक्शन सही होना चाहिए। तो स्टेक होल्डर कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये देखते हैं। ऑन द पॉजिटिव साइड, स्टेक होल्डर्स प्रोवाइड द नेसेसरी रिसोर्सेस एंड सपोर्ट टू बिजनेस। अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एटसेट्रा फ्रॉम इट्स स्टेक होल्डर्स। ठीक है, बिजनेस को फंक्शन करने के लिए जो जो चाहिए स्टेक होल्डर से मिल रहा है। इट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू देम, स्टेक होल्डर के थ्रू ही। मतलब स्टेक जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है, वो भी कोई ना कोई एक स्टेक होल्डर है। इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब बिजनेस का हालत खराब है, तो दूसरा स्टेक होल्डर आता है हेल्प करने के लिए। कौन है वो? बैंक आ गया या गवर्नमेंट आ गया, चिंता मत करो हम हैं। गवर्नमेंट कैसे आ गया? गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया आरबीआई के थ्रू कि चलो लोन का रेट कम कर देते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। जीएसटी का रेट कम कर देते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। फाइन पेनल्टी हटा देते हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जब इकोनॉमी की हालत एकदम खराब है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। देखो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स को मिला के पढ़ेंगे हम। सो इकोनॉमिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा, कॉमर्स भी मैं पढ़ाऊंगा, दोनों को मर्ज करेंगे, बहुत आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो मे प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट। सो पॉजिटिव है तो सपोर्ट है, नेगेटिव होने से क्या होगा देखिए। ऑन द नेगेटिव साइड, स्टेक होल्डर्स मे ब्लॉक और इंटरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। इंटरप्ट कैसे हो गया, ब्लॉक कैसे हो गया? रॉ मटेरियल नहीं भेजता, तुमने मेरे को पहले का पैसा नहीं दिया, नहीं भेजता रॉ मटेरियल। अरे तुम ऐड क्यों बंद कर दिए? अरे पहले का पैसा नहीं दिया, तुम्हारा स्टाफ का बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम लोग ख्याल नहीं रखते हो, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, पुराना ही रेट देना चाहते हो, जाओ नहीं काम करेंगे, ब्लॉक कर दिया काम। When their expectations are disregarded, expectation था ना, आपने कहा था कि ठीक है अप्रैल से दाम बढ़ा देंगे, बढ़ाए नहीं आप, झूठ बोलते हैं सर। आपने कहा था 30 दिन में पैसा दे देंगे, 160 दिन हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला, कहां से हम काम करेंगे? मैंने कहा था मेरी बीवी हॉस्पिटल में, प्लीज प्लीज सर पैसा दे दीजिए। उस समय आप लंदन घूम रहे थे, हमारे पैसे से आप घूम रहे हो। गुस्सा आता है ना, एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ। पता चला कि मैंने साहब को 1 करोड़ रुपया दे रखा है, आप ऐसा कर दिए जैसे कि मैं अपना पैसा नहीं, मैं भीख मांग रहा हूं। ऐसा हो जाता है, छोटे मोटे सप्लायर्स का बहुत बुरा हाल होता है। मेरा भाई है ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो आके बोलता है कि भाई ऐसा हालत हो गया है कि जैसे हमने गुनाह कर दिया है, कंपनीज का बड़ा बड़ा कंपनीज का काम किया और अपना ही पैसा मांगने जाते हैं तो नहीं देते, जाओ कल से हम आपका काम नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है। Therefore, stakeholders play a vital role in determining the success or failure of a business enterprise. अगर ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक कर दे, तो जितना भी प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर किया है,
वो तो अब जाएगा नहीं, तो इम्पॉर्टेंट है ना भाई। अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं जाएगा तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। वो प्रोडक्ट पड़े 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 समझ लो 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो पूरा टोटल लॉस। तो स्टेक होल्डर इम्पॉर्टेंट होते हैं भाई। अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव एंड ग्रो फॉर लॉन्ग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट या स्टेक ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। तो कहने का मतलब यह है कि भैया बीवी को नाराज़ मत करो। यहाँ तो ऐसा है कि एक बीवी नहीं, बहुत सारी बीवी है, मिलकर पटाई करेगी तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, तो पूरा ध्यान रखने का। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, उसके बाद हम समराइज कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गॉडर, इंडस्ट्री इन द 20th century कैन नो लॉन्गर बी रिगार्डेड एज अ प्राइवेट मैनेजमेंट फॉर एनरिचिंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है। मैं पैसा लगाया तो सारा मुनाफा मेरा होना चाहिए, नहीं, अब वो जमाना खत्म हो गया। शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अच्छे से, तो अभी हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इट हैज बिकम अ जॉइंट एंटरप्राइज इन विच वर्कर्स, मैनेजमेंट, कंज्यूमर्स, द लोकैलिटी, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियन ऑफिशियल्स प्ले अ पार्ट। तो क्या पहले क्या होता था भैया, जिसने पैसा लगाया, जिसने कंपनी खोला, सारा मुनाफा सारा ख्याल उसी का रखा जाएगा। अब जमाना बदल गया है। अरे भाई, जिसने कंपनी में पैसे नहीं लगाए तो क्या हुआ, जिसने आपको रॉ मटेरियल दिया है तो रॉ मटेरियल भी तो एक तरीके से पैसा ही है ना। डायरेक्ट शेयर होल्डर नहीं है तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट तो है। गवर्नमेंट बोलता भाई मेरे को तुमसे 50 लाख का टैक्स लेना है और मैं छोड़ रखा हूं, तो गवर्नमेंट का भी तो रोल है, तो कहीं ना कहीं सबका रोल है। कंज्यूमर बोलता रहे भाई तुम मेरे को खराब प्रोडक्ट कैसे दे दिए, ज्यादा दाम कैसे ले लिए, तो सबको खुश रखना है। इफ द सिस्टम विच वी नो बाय द नेम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इज टू कंटिन्यू, आज के दिन में जो प्राइवेट एंटरप्राइज है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाना है या चलते रहना है तो मनमानी नहीं चलेगी। चल बेना, चल बेना, चल बेना, मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, मैं स्टेक होल्डर हूं। सम वे मस्ट बी फाउंड, सम वे मस्ट बी फाउंड। आज से 50 साल पहले वेस्ट बंगाल में बहुत जबरदस्त यूनियन होते थे, फैक्ट्रीज में स्ट्राइक हो जाते थे, क्योंकि लेबर्स को उनका हक नहीं मिला करता था। अब जमाना बदल रहा है। सो सम वे मस्ट बी फाउंड टू एम्ब्रेस मैनी इंटरेस्ट विच गो टू मेक अप इंडस्ट्री इन अ कॉमन पर्पस। सबका ध्यान रखना होगा तभी एक अच्छा इंडस्ट्री बनता है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, छोटे 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 जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, IT कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों का भरोसा IT इंडस्ट्री पर बढ़ता है। तो गर्व से बोलता है मेरी बेटी पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पढ़ाई की है, कंप्यूटर साइंस की है, अब बैंगलोर में ना IT कंपनी में काम कर रही है, बहुत अच्छा भाई। कंपनी जो है ना गाड़ी देता है, घर तक छोड़ता है, छुट्टी देता है सैटरडे को। इसका मतलब यह है कि IT इंडस्ट्री वेरी गुड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नॉट वेरी गुड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे तो अपने आप इंडस्ट्री अच्छा लगेगा। सो आइए अब हम क्विक रिविजन करेंगे। जितना हमने आपको पढ़ाया है ये पूरा आपके दिमाग में छप चुका है, बट रिवीजन करने के लिए क्विक रिवीजन कैसे करें, आइए क्विक रिवीजन कराते हैं आपको। क्विक रिवीजन कराने का आज का क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो क्विक रिवीजन, सो क्विक रिवीजन दोस्तों, 5 मिनट में ये रिवीजन होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट करता है सोशल ग्रुप्स के साथ, ये सोशल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या, जिनका इंटरेस्ट होता है या एक्सपेक्टेड बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सब जो कीवर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर का क्या रोल है, स्टेक होल्डर का रोल है फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देख भाई, जैसे वाइफ जो है वो अगर सही तरीका से मेरा ख्याल रखेगी तब तो मैं सही तरीके से फंक्शनिंग करूंगा, परफॉर्मेंस दूंगा। आज पता है वाइफ ने ऐसा खाना खिलाया कि रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं कर रहा, पूरा पेट गड़बड़ हो गया, तो मैं फंक्शन नहीं कर रहा हूं, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूं ना ठीक से। सो स्टेक होल्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टेक होल्डर एक तरफ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ। तो स्टेक होल्डर को हमने बनाया वाइफ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया हस्बैंड। इन दोनों का डिसीजन जो है, डिसीजन ऑफ ईच अदर इन्फ्लुएंस ईच अदर,
decision of each influence each other. Commercial organization should seriously consider the interest of all its stakeholders. ये important point है, ये जितना हमने लिखा है बस इतना ही पढ़ना है आपको, दोबारा textbook reading नहीं करना आपको, ये जो notes जो हमने लिखा है ये आप लिख लीजिए और इसी को ही पढ़ना है, आपको full marks मिलेंगे. अब question ये है, अगर organization ख्याल नहीं रखे, does not consider what? Does not consider the interest of the stakeholder, तो क्या होगा बच्चों? अरे होगा क्या, ब्लॉक कर देंगे हम, घर में घुसिएगा मत आप, खाना तो पूछिएगा मत, होता है ना ऐसा. अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा भाई, मेरे को आता है. और डिले इन इट्स ऑपरेशन. सो वाइफ का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, वाइफ का इन्फ्लुएंस नेगेटिव भी हो सकता है. तो ये इसका मतलब क्या, स्टेक होल्डर का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, स्टेक होल्डर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है. तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस याद करने के लिए गुड वाइफ क्या देती है, फाइनेंस दे रही है, लेबर दे रही है, रॉ मटेरियल दे रहा, मशीनरी, बैंक, गवर्नमेंट, सब अगर अच्छा है तो हेल्प करेंगे. और अगर अच्छा नहीं है, मूड बिगड़ गया तो भैया ब्लॉक कर देंगे आपको. आजकल होता ना, यू आर एंग्री विथ योर बॉयफ्रेंड, आपने अपने फोन को उठाया, वो कॉल पे कॉल करा, ब्लॉक कर देंगे. चलो तुमसे मैं नाराज हूं, तुम मेरे बर्थडे कैसे मिस कर गए, अब तुम मेरे को फोन नहीं कर सकते, यू आर ब्लॉक्ड. हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, फेसबुक से, इंस्टा से, और मोबाइल फोन से भी, व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया तुमको, जाओ. सो ऐसा होता है. तो मेरे ख्याल से ये इतना ही बात था, तो आज का क्लास हम यही रोकते हैं दोस्तों. मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा है, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है. 100 में से 100 दिलाने का वादा मैंने किया आपको, मेरे साथ भरोसे के साथ पढ़ोगे तो 100 में से 100 मिलेगा. हम लोगों का एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है, LMS, ये भी हम देंगे आपको, बट ये देंगे हम जून 30 तक तो फ्री है. जो बच्चे हमसे सब्सक्राइब करेंगे, हमारा कोर्स खरीदना चाहेंगे, उनको हम ये LMS फीचर भी देंगे. LMS फीचर में होता है क्विज, हर चैप्टर का आपको छोटा छोटा अमिताभ बच्चन के स्टाइल में, KBC स्टाइल में 4 ऑप्शंस देंगे और आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे, जब क्विज को सबमिट करेंगे आपको स्कोर मिलेगा. इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, रिविजन और ज़बरदस्त तरीके से होगा. मगर ये 30 जून के बाद, 30 जून तक पूरा का पूरा कोर्स फ्री है. हमारा ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के लिए 9748535456 पर संपर्क करिए, ठीक है. टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, और हो सके तो इसको अपने दोस्तों को रेकमेंड करिए. वैसे भी कोरोना वायरस का बीमारी चल रहा है, ट्यूशन सेंटर्स में बोला जा रहा है कि नहीं कंबाइंड स्टडीज मत करिए, तो आराम से घर बैठ के पढ़िए. एक एक वर्ड हम आपको समझाएंगे, धीरे से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, और आपको समझ में आएगा, और आपको रटाएंगे नहीं, और आपको समझाएंगे, और आराम से आप रिटेन कर पाओगे, एग्जाम में 100 में से 100 लेकर आओगे. सो आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय.